Hello all students, today we shall learn in this video Tiger King written by Kalki part 3. हमने first part और second part में मतलब देखा हुआ है, मतलब हमने story जो देखी थी. तो क्या थी story? कि जो जंगजंग बहादुर है, हमारे जो king है प्रतिबंध पूरा के, उनका boss होता है और एक predication तब वहाँ पे की जाती है by astrologer. तो वहाँ पे क्या प्रेडिक्टेशन की जाती है कि जो हमारे जो टीम के हैं वो उनकी जो डेथ है उनका कारण एक टाइगर होगा. अब धीरे धीरे जब ये हमारे बहादुर मतलब जंगजंग बहादुर जो है हमारे टीम वो बड़े होते हैं तब उन्हें ये प्रेडिक्ट फिर से याद दिलाई जाती है. और फिर ये उन्होंने फर्स्ट टाइगर है वो उन्होंने सेकेंड पार्ट में हमें देखा था तो उन्हें जब मारा था तो उनकी जो खुशी थी वो मेजरमेंट हम नहीं कर सकते उतनी ज़्यादा थी. और उनके बीच एस्ट्रोनॉजर के बीच कन्वर्जेशन होता है और एस्ट्रोनॉजर कहता है कि आपको आप 99 टाइगर मार लोगे ना फिर भी आपको 100 टाइगर से सावधान रहना पड़ेगा. अगर महाराज ने बोला कि मैं उसको भी मार दूँ तो अगर मैं 100वां टाइगर भी मार दूँ तो वो कहता है कि मैं अपनी जो चोटी है वो कटवा लूँगा, अपना प्राइड है वो और बुक सारी है मेरी एस्ट्रोनॉजी की वो जला दूंगा. यहाँ तक हमने देखा था सेकेंड पार्ट में. थर्ड पार्ट में क्या है वो हम आज देखेंगे. लेट्स बिगिन द पार्ट. होने का एक
चिता में इनका चुनाव था, मतलब सिंहासन था, उन्हें खोने का डर था। क्यों? डेंजर जोन के ऊपर एक रूल था, तो अब हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, वहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर आया था जो एक विजिटेड प्रतिबंध पूरा। ही वॉज अ वेरी फाउंड ऑफ हंटिंग टाइगर्स एंड फाउंडर ऑफ बींग अ फोटोग्राफर विथ द टाइगर ही हैड शॉट एज यूजुअली ही विश्ड टू हंट टाइगर इन प्रतिबंध पूरा। बट तो महाराज वॉज अ फेम इन हिज रिसॉल्व ही रिफ्यूज्ड परमिशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो परमिशन मांगता है महाराज से कि प्रतिबंध पूरा में उन्हें जो टाइगर है वो हंटिंग करने दिया जाए, क्योंकि ये ब्रिटिशर बहुत ही मतलब उसकी एक है क्या कहते हैं उसको कि शौक था उसको कि उसको टाइगर हंटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था, और उससे भी ज़्यादा शौक था कि वो टाइगर बना हुआ है उसके पास खड़े रह के अगर जैसे पावर उसने मारा है उसको पावर दिखाना, शो ऑफ करना, फोटो खिंचवाना उसके साथ बहुत ज़्यादा मतलब उसका उसको पसंद था, तो वो उसका प्रतिबंध पूरा में भी टाइगर हंटिंग करना चाहता था। पर महाराज को अपनी शपथ मतलब गौर पूरी कर दी थी, इसलिए उन्होंने जो टाइगर है वो मारना मारने का उन्हें मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, उनकी परमिशन को मान्य नहीं रखा। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर, मैं मतलब वो बोलता है उनको कि मैं आपको और कोई भी हंट करने के लिए ऑर्गेनाइज कर दूंगा, सब व्यवस्था कर दूंगा। यू मे गो टू बोर हंट, यू मे कंडक्ट द माउस हंट, वी आर रेडी फॉर द मॉस्किटो हंट, बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल। अब यहाँ पे कहते हैं कि आप दूसरे कोई भी हंट कर लो, बोर का हंट कर लो, माउस का हंट कर लो, मॉस्किटो का हंट कर लो, पर टाइगर का यहाँ पे हंट इम्पॉसिबल है, वो आपको नहीं करने मिलेगा। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रोन द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डेड किलिंग नॉट हैव टू किल द टाइगर, द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। वॉट वॉज इम्पोर्टेंट टू द दुराई वॉज अ फोटोग्राफ टू हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कैरकेस, बट द महाराजा वुड नॉट बी इवन टू हिज प्रपोजल इफ द रिवेलेंट नाउ वॉट वुड ही टू इफ अदर ब्रिटिशर ऑफिसर टर्न अप फॉर अ टाइगर हंट। अब यहाँ पे क्या था कि दीवान और दुराई दो न्यू वर्ड्स हैं, तामिल वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे क्या होता है दीवान मतलब जो महाराजा होता है, महाराजा के जो दीवान होती है मतलब जो उनका हम जैसे पर्सनल सेक्रेटरी अभी बोलते हैं, तो वैसे ही दीवान होता था जो सारा कारोबार है वहाँ का जो स्टेट का वो संभालता था, और दुराई मतलब क्या होगा मास्टर किसी का बॉस होता है वो। तो यहाँ पे उन्होंने उनकी सेक्रेटरी थी जो ब्रिटिश ऑफिसर थी वो अपने मैसेज दीवान के थ्रू महाराज को भेजती है उनके, तो वो क्या भेजती है कि मेरे जो दुराई है मतलब मेरे जो कैप्टन है बॉस है वो मारना नहीं चाहते हैं किसी भी टाइगर को, बस आप मारेंगे महाराज पर, बस उन्हें उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना है, जो टाइगर है उसके साथ वो मरा हुआ हो वहाँ पे बंद पकड़ के उन्हें सिर्फ फ़ोटो खिंचवाना है। तो महाराजा ये भी मना कर देते हैं, क्यों मना करते हैं क्योंकि आगे जाके अगर कोई और ब्रिटिश ऑफिसर आया और अगर उन्होंने टाइगर हंटिंग के लिए परमिशन मांगी और वो ये सब हमेशा इस एक को परमिशन दे तो बाद में दूसरे भी परमिशन मांगने आए थे कि हमको टाइगर हंटिंग करनी है तो क्या होगा, इसीलिए ये सोच के उन्होंने ये भी रिफ्यूजल मतलब जो परमिशन थी वो रिफ्यूज कर दी, बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फॉर अ फुलफिलिंग हिज डिजायर, द महाराजा स्टूड इन द डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। अब यहाँ पे जो महाराजा ने इसकी जो फुलफिलमेंट थी विश डिज़ायर थी ब्रिटिश ऑफिसर की वो रिफ्यूज कर दी थी, तो अब क्या था कि महाराजा का जो थ्रोन था मतलब किंगडम था वो क्या था डेंजर में था, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर उसको कभी भी हार्म कर सकता था। तो महाराजा एंड द दीवान हैड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू, एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फॉर विथ और टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, सेंड सैंपल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन। अब यहाँ पे क्या होता है डायमंड रिंग्स मंगाई जाती है कहाँ से, कलकत्ता से, ज्वेलर्स जहाँ थी वहाँ पे बहुत फेमस थी, तो वहाँ से महंगी महंगी जो डिज़ाइन थी रिंग्स थी वो मंगाई जाती है। अब क्यों मंगाई जाती है वो आगे जो पैरा है उसमें आएगा, सब 50 रिंग्स, अब यहाँ पे 15 रिंग्स थी उन्होंने मंगाई थी। तो महाराजा सेंड द बॉल लोन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी, गुड लेडी मतलब क्या होगा ब्रिटिश ऑफिसर की जो
ऐसा करते हैं कि उनकी बुराई सारी मतलब उनकी वाइफ है उनको हम मनाते हैं। तो उनको मनाने के लिए उन्होंने रिंग्स बेची थी डायमंड की, डायमंड रिंग्स बेचती है तो उन्हें लगता है कि एक और दो रिंग चूज करेंगी बाकी रिंग उन्हें रिटर्न कर देंगी, पर ऐसा नहीं होता है। विद इन नो टाइम एडवर्ड बुराई सारी सेट हर रिप्लाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। मतलब क्या हुआ कि इन टू डेज बिल फॉर लैक ऑफ रुपीज, उन्होंने एक या दो रिंग नहीं चूज की बल्कि 15 की 15 रिंग है बुराई सारी ने अपने पास रख ली, रिटर्न एक भी नहीं की। तो अब जो 3 लाख का थोड़ी दिनों बाद कोलकाता से उनको मिल आया कि आपको 3 लाख रुपये भरने हैं इस डायमंड रिंग्स के लिए, तो महाराजा वॉज हैप्पी दैट थ्रोन ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। पर फिर भी महाराजा खुश थे, चलो 3 लाख तो 3 लाख, कम से कम उनका जो डेंजर था किंगडम से वो हट चुका है और अब वो है वो फिर से अपने किंगडम है जो अपना थ्रोन है उसे रिटेन कर पाएंगे, मतलब उन्होंने उनको बचा लिया था। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट 4 है उसकी स्टोरी वो यहाँ पे एंड होता है और यहाँ पे जो मैंने मेन पॉइंट लिखे हैं वो आप अपने रिमाइंड करते रहिएगा और यहाँ पे जो 3 पार्ट हमारे फिनिश हो चुके हैं उसे रिमाइंड करिएगा और रखते रह के इसको बार बार रिमाइंड करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी स्टोरी। हार्डवर्क है या फिर कोई इसमें और ज़्यादा बहुत थोड़ी बहुत फ्रेजेस दिए गए फ्रेजेस वो भी आप प्रीफर करिएगा रहेंगे और तब तक के लिए